लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के वरिष्ठ समाजसेवी दिवंगत कैलाश सिंह राजपूत की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वासी में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्गीय राजपूत की सुपुत्री सुषमा सिंह ने अपने पिता की स्मृतियों को उजाला देते हुए 5 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन, कपड़े और जरूरी सामग्री उपहार में दिए। यहाँ बीजेपी उत्तर भारतीय महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर संजीवनी पांडे, बीजेपी की महिला जिलाध्यक्षा दुर्गा डोक, वरिष्ठ साहित्यकर्मी अरविंद राही, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, पूर्व नगर सेवक अमित मेढकर, उत्तर प्रदेश सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडे केवट समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। हिंदी भाषियों के अग्रणी और नवी मुंबई के दिवंगत समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश सिंह राजपूत की 25वीं पुण्यतिथि पर महिला उत्कर्ष समिति द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्वर्गीय राजपूत की सुपुत्री एवं बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुषमा सिंह ने 5 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन, कपड़े एवं जरूरी सामग्री भेंट दिए। वहीं बैंक अधिकारी ने मुद्रा लोन के जरिए महिलाओं को लघु उद्यम कैसे प्रारंभ करें इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा की प्रांताध्यक्ष प्रोफेसर संजीवनी पांडे, वरिष्ठ साहित्यकर्मी अरविंद राही, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, पूर्व नगर सेवक अमित मेढकर खासतौर पर मौजूद थे। अतिथियों ने स्वर्गीय कैलाश सिंह राजपूत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उत्तर भारतीय मोर्चा की महिला पदाधिकारी सुषमा सिंह के जनसेवी कार्यों की सराहना की। कैलाश सिंह राजपूत जी के इस 25वें पूर्ण स्मरण दिन के निमित्त में सबसे पहले उनके पवित्र आत्मा को मैं यहाँ पर विनम्र अभिवादन करता हूँ। राजपूत जी ये मेरे पिताजी श्री अमरुजी मेडकर जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। पिछले अनेक वर्षों से उन दोनों ने मिलकर साथ में समाज की बहुत बड़े अच्छे पैमाने में लोगों की सेवा की है। राजपूत जी के बारे में कहना चाहे तो मैं बस इतना कहूँगा कि वो संघ के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे और उनके माध्यम से जो भी पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों की बहुत अच्छी सेवा उन्होंने की है। और उनके इस विचारों से प्रेरणा लेते आज उनकी कन्या श्रीमती सुषमा सिंह जी आज ये कार्य कर रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा कि आगे जाके वो भी अपने पिताजी के विचारों को इसी तरह आगे लिखते जाए। नए व्यवसाय करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी साधन या योजना मौजूद है उसकी जानकारी देने के लिए इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, तो निश्चित ही कैलाशी राजपूत जी को आज गर्व महसूस होगा, क्योंकि वो हमेशा समाज के लिए कार्यरत रहे। जितना मैंने उनके बारे में आज तक सुना है, वो आरएसएस से रहे, वो बजरंग दल से रहे, वो हिंदुत्ववादी रहे और समाज के लिए हमेशा आखिरी समय तक अपना दायित्व निभाते रहे, तो आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा और ऐसी पुत्री को देखकर आज हम लोगों को भी गर्व महसूस हो रहा है। आज भाई कैलाश सिंह राजपूत जी की 25वीं पुण्यतिथि पर इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि अपनी ही करनी का फल है नेकी व रसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। और ये आज यहाँ पर घटते हुए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अनवरत रूप से भाई कैलाश जी समाज के लिए काम करते रहे हैं, वही चीज़ आज उनकी बेटी के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं, सुषमा के रूप में, कि उन्हीं की ये सीख है, उन्हीं के दिए हुए संस्कार है कि आज उनकी याद में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और महिला सशक्तिकरण पे पूरा कार्यक्रम केंद्रित किया। जिस तरह से गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं, उनको साधन उपलब्ध करा रही हैं, आज सिलाई मशीन का वितरण किया और मुद्रा कोष के ऊपर किस तरह से उनको लाभ मिले उस पर इतनी सुंदर सेमिनार आयोजित की, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कहीं ना कहीं सुषमा जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और भाई कैलाश सिंह राजपूत जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी सीख ने, जिनके संस्कारों ने आज यह दिन दिखाया है कि उनकी दिखाए हुए राह पर आज उनका पूरा परिवार चल रहा है, उनकी बेटी चल रही है और उसको सार्थकता प्रदान कर। 25वीं पुण्यतिथि
ऐसे महान आदमी का है कि जो 1986 से लेकर 96 तक भाजपा के उपाध्यक्ष थे, जब नई मुंबई में गिने चुने लोग थे, तो बोला इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए मतलब कि हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम ने अपना ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज के ही दिन करेंगे। और आज ये सिर्फ मुद्रा योजना की नहीं, बाकी भी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है कि उसमें से 4-5 योजनाओं पर ही हम लोग फोकस करेंगे। और इस समय सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, पूरे नई मुंबई को इस बात का किस तरह से लाभ मिल सके, इस बात पर कार्य हम पूरी टीम के साथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सभी के मार्गदर्शन से ये कार्य बहुत अच्छा होगा। आज सभी लोग का सहयोग मिला, ये देखकर हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि आगे पूरी मेहनत और लगन के साथ हम लोग काम अपना करेंगे। उस समय के हिंदी भाषी जो नेता बोला जाए तो नए नए, जो उस समय जो नई मुंबई का ये हुआ था, उस समय के एक अच्छे नेता माने जाने और समाज में लोगों के प्रति इनकी बहुत प्रेम और श्रद्धा थी और लोगों के हमेशा ये सुख दुख और सहयोग में लगे रहते थे, क्योंकि वो हम लोगों की एक बहन है, उनकी बेटी है। और ऐसे समय में सिलाई मशीन देना, महिलाओं को आगे लेके जाना और लोगों में जो उसका सेवा भाव है वो बहुत सराहनीय है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसकी अपने पिता के प्रति, लोगों के प्रति और समाज के प्रति ऐसी भावना होती है। इस अवसर पर सुषमा सिंह ने कहा कि उनके पिता ने सदैव सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम किया। पिता की स्मृतियों को उजाला देने के लिए हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। सुषमा सिंह ने बताया कि नई मुंबई की महिलाओं को सक्षम बनाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आजकल जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, जब हर एक नारी आत्मनिर्भर बनेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो उसके लिए मुझे लगा कि मशीन देना, यानी हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, इसके लिए हमने मशीन से स्टार्ट किया। आगे हम और भी बहुत कुछ करेंगे, जिसमें प्रभा जी और सौरभ जी जो सब साथ देंगी मेरा, हम आगे भी और बहुत सारे काम करने वाले हैं, हमारा शुरुआत है अभी। आज पापा की पुण्यतिथि पर 5 महिलाओं को मशीन दी गई है, धागा दिया गया है, मास्क बनाने का कपड़ा दिया गया है, और आगे हमारे पास बहुत सारे काम हैं, जैसे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं और मास्क हैं, पेटीकोट्स हैं, वो उस पर भी हम काम करेंगे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी और इंडिया।